नमस्कार, बिग अपडेट, बिग न्यूज अपडेट ऑन एसीसी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन लीड बाय चेयरमैन टोको चितल एंड प्रेसिडेंट President Tan Tuvin, they met the Kiran Rijuji. After meeting the Kiran Rijuji, they discussed with the Kiran Rijuji. Let's hear what happened to them with Kiran Rijuji. तरफ से अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम ने हमने किरण जी के लिए अपॉइंटमेंट के लिए हमने रिक्वेस्ट डाला था, तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वेस्ट किरण जी से आज अपॉइंटमेंट मिला। उसके बाद में हमने अपनी तरफ से अपना जो भी हमारा मेमोरेंडम है वो हमने उनको सबमिट किया, और हमने अपने जो हमारे पास जितने भी हमारे ग्रेवेंसेस हैं, हम किस लिए अरुणाचल से पैदल चलकर यहाँ तक आए हैं और हम भारत सरकार से क्या मांग करने आए हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया। उन्होंने भी हमें बहुत ही मतलब शांतिपूर्वक तरीके से बहुत ही कंफर्टेबल वे में उन्होंने हमारे साथ टाइम दिया, और हालांकि उनके बहुत सारे गेस्ट बाहर रुके हुए थे फिर भी उन्होंने हमें सफिशेंटली टाइम दिया और हमारे ग्रेवेंसेस को सुना। उसके बाद में हमने जो भी अपना मेमोरेंडम और जो भी रिप्रेजेंटेशन था वो हम सब ने जाके सबमिट किया उनको, और हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम सबका स्वागत किया, और उन्होंने कहा चाय पे चर्चा जैसा ही हो गया। चाय पीते पीते उन्होंने हमसे ये पूछा कि भाई आप लोग किसके अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे हो। उन्होंने तीन सवाल पूछा, क्या आप करप्शन के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे हो, आप पेमा खांडू के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे हो, या फिर आप किरण रिजिजू के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे हो। तो उनका इस तरीके से पूछने का मतलब ये है कि मैं किरण रिजिजू, मुझे आप लोगों ने निर्वाचित करके यहाँ भेजा, मैं यहाँ आप लोगों के एमपी हूँ पहले, फिर बाद में देश का मंत्री हूँ, तो मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। फिर आपके मंच से, धरना प्रदर्शन के मंच से लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया जिसके वजह से मेरे अपने लोग जिन्होंने मुझे वोट देकर जिताया वही लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो ये उन्होंने मुझसे पूछा, हम सबसे पूछा भी नहीं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि हमारे मंच से कुछ लोग उन्हें गाली दे रहे, ये उनका कहना था। तो हमने कहा कि आप हमारे सांसद हो, और हमारे सांसद होने के बाद आप देश के मंत्री हो, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, हम इसके लिए भारत सरकार को भी हम थैंकफुल फील करते हैं। साथ ही साथ हमारे राज्य में करप्शन चल रहा है, और इस प्रकार से करप्शन चल रहा है कि करप्शन को मिटाना है, तो करप्शन को मिटाने के लिए हमें सीबीआई चाहिए, ईडी चाहिए, तो आप हमारी क्या मदद कर सकते हो। हमने यही उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा है कि आपने जो मेमोरेंडम दिया है, जो रिप्रेजेंटेशन दिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए, हम इसको पहले हम देखेंगे, हम इसको जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम अपनी पार्टी में, बीजेपी पार्टी में, पार्लियामेंट्री बोर्ड में हम डिस्कशन करेंगे, स्पेशली करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, करप्शन को कैसे हटाया जाए, इस पर हम अपनी पार्टी लेवल में हम डिस्कशन करेंगे। ये उन्होंने इतना ही कहा हमें, और हम लोगों को उन्होंने बधाई दिया कि आप लोगों का मुहिम सक्सेस हो चुका है। सक्सेस इसलिए हो चुका है कि अरुणाचल जैसा स्टेट में, जहाँ पर कोई भी वोटर फ्री में कोई वोट नहीं करता है, हर एक एमएलए से पैसा चार्ज करता है, चाहे वो पिकनिक के लिए हो, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का डोनेशन हो, वहाँ पे चार्ज करता है, तो ऐसे हमारा जो छोटा सा ट्राइबल स्टेट है, वहाँ पे जो एक कल्चर, जो एक मनी कल्चर है, उस बीच में आप लोगों ने 1900 किलोमीटर जो पैदल चला है, सबसे पहले उस पर उन्होंने बहुत तारीफ की। उन्होंने बोला कि मैं तो सलाम करता हूँ, क्योंकि मुझसे तो नहीं होना था, मैं तो बीच रास्ते भाग जाना था या रुक जाना था, अगर मैं आपके जगह चलता तो। फिर आप लोगों ने करके दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, उसके लिए आप सबको सलाम करता हूँ। हमारे टीम को उन्होंने सलाम भेजा है, सिर्फ हम जो पांच खड़े ये नहीं, हमारा पूरा एएससी टीम को सलाम भेजा है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आपका मुहिम सक्सेस हो चुका है। सक्सेस इसलिए हो चुका है कि पूरा प्रदेश आपके पीछे, आपके साथ खड़ा है। हमारा अरुणाचल का जितना आम जनता है, जो गरीब जनता है, आम जनता है, जो कॉमन पब्लिक है, जो सीधे साधे लोग हैं, जो करप्शन से दूर रहते हैं, वो लोग आपके साथ खड़े हैं। इसका मतलब आप लोग जीत चुके हो, तो बधाई हो आपको। और अभी आपको, जब आप करप्शन को हटाने के लिए यहाँ तक, दिल्ली तक पैदल चलकर आ सकते हो, तो अभी आपको
वापस अरुणाचल जा कर के हर एक डिपार्टमेंट में आपको पब्लिक से मिलजुल के आपको करप्शन को हटाने का काम करना चाहिए। यहाँ तक आप एक्टिविस्ट बन के आए और यहीं से गायब मत हो जाना, आपको बाकी चल करके अरुणाचल को आपको फिल्टर करना है। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को उन्होंने ये सुझाव दिया कि आपको अरुणाचल प्रदेश में जा कर के फिल्टर करना है। मेक श्योर कि कोई भी ऑफिसर घूस ना ले, कोई भी पब्लिक घूस ना दे और घूस ना मांगे, और कोई भी एक्टिविस्ट आरटीआई फाइल करने के बाद में आरटीआई के एवज में किसी भी ऑफिसर को ब्लैकमेल करके पैसा ना कमाए, कोई यूनियन बना के यूनियन के अगेंस्ट में कुछ इशू रेज करके उसके बाद इशू जब सक्सेस नहीं, इशू के ऊपर में प्रेशराइज करके गवर्नमेंट से पैसा ब्राइब ना करें, ब्लैकमेलिंग ना करें। अपने प्रदेश को अपने समाज को अगर सुधारना है तो चलो आप और हम मिलकर सुधारते हैं। उन्होंने यही सजेशन हमें दिया और सबसे पहले उन्होंने कहा कि पूरे भारत में आप सब चर्चे में आ चुके हो और पूरा भारत आप सबको सलाम करता है, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को। मैं खुद आप सबको सलाम करता हूँ और हमारा बीजेपी पार्टी आपको सलाम करता है, पूरा बीजेपी पार्टी भी आपको सलाम करता है, सब सलाम करता है, यही बोला। और बहुत अच्छी बातें बोली और उन्होंने बोला कि मुद्दों पर हमने चर्चा कर लिया, आपके इशू को हम बाद में हम सुनेंगे पार्टी लेवल में, लेकिन मैं अपना एक मैं बीजेपी पार्टी से मैं निर्वाचित होकर के जीत कर आया हूँ, तो मैं पार्टी का सांसद होने के बाद आज मैं पार्टी का मंत्री हूँ, तो मैं एक पार्टी का मंत्री होने के नाते मैं भारत सरकार में मंत्री हूँ, तो अरुणाचल के लोकल लेवल में हमारे पार्टी के अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ वाकई में क्या हो रहा है, तो मैं नहीं कर सकता। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए उसके आधार पर हम देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे, यही उन्होंने कहा। और बाकी उन्होंने कहा कि तबीयत में कोई खराबी है कि नहीं है, अगर तबीयत पानी ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, इस इशू को साइड में रखते हुए, हमारे इशू को साइड में रखते हुए, एज ए अरुणाचली एमपी, वेस्टर्न पार्लियामेंट्री एमपी, मैं आप लोगों के वजह से एमपी बना हूं, तो आप लोगों को कुछ भी अगर पर्सनली कुछ भी प्रॉब्लम या तकलीफ है तो उनको बता सकते हैं। ये अपनी तरफ से उन्होंने जो ऑफर हम लोगों को बोला है, और बाकी बहुत पॉजिटिव रहा उनसे डिस्कशन, बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने हम सबको काफ़ी प्रोत्साहित भी किया और हमारे तारीफ में अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि हाँ, करप्शन जो है एक लाइलाज बीमार की तरह सिर्फ अरुणाचल में नहीं पूरे भारत में फैला हुआ है, यहाँ तक कि विदेशों में भी फैला हुआ है, तो करप्शन से कैसे हमें लड़ना चाहिए, ये बहुत ही वाकई चिंता का विषय है और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। और हम लोगों को बोला कि आप लोग पहले ऐसे व्यक्ति हो अरुणाचल से जो इस मुद्दे को लेकर यहाँ तक पैदल चलकर आए हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो इसी तरीके के बहुत अच्छी अच्छी शब्दों और बातों के साथ हमारा डिस्कशन हुआ, तो आगे ये इनसे हम आज मिले। बाकी हमने उनको बताया अपनी तरफ से कि हम प्रधानमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, गृह मंत्री से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं और हम जेपी नड्डा जी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज आपने हमारे रिक्वेस्ट पर ध्यान देते हुए हमें यहाँ आमंत्रित किया, वैसे ही अगर हमें उन चारों से भी एक ना एक से आमंत्रण मिल जाता है तो हम वहाँ पर भी जाएंगे और अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी मेमोरेंडम को हम वहाँ पर भी सबमिट करेंगे, ये हमने उनको बताया। उन्होंने कहा कि मैं मना करने वाला या रोकने वाला या साथ देने वाला कोई नहीं होता हूँ, अगर आप लोगों को, ये आप लोगों का पूरा हक है और क्रिटिसाइज करना ये आप लोगों का वेलकमिंग है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा ज़िंदगी उन्होंने ऑपोजिशन बेंच में बैठ करके ही उन्होंने इन्हीं मुद्दों को लेकर के वो एमपी बने, करप्शन को लेकर के, सिस्टम को लेकर के वो एमपी बने, तो आज आप लोग वही कर रहे हो जो मैं पूरी ज़िंदगी करता आ रहा हूँ, तो ये अच्छी बात है। आप लोग क्रिटिसाइज कीजिए, करेक्शन कीजिए, रिफॉर्मेशन लाइए, सोसाइटी को चेंज कीजिए, अपने लोगों को शिक्षित कीजिए और अवेयरनेस एक जगाइए, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही। चलो देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं, अभी तक तो हमारा पॉजिटिव एक होप है कि चलो हम आगे, हमें राष्ट्रपति जी से शायद बुलावा आ जाए या फिर प्रधानमंत्री जी से बुलावा आ जाए, तो जहाँ से भी हमें बुलावा आता है हम कोशिश करेंगे। और हमने उनको ये भी बताया कि हम 20 और 21 को धरना पर, जंतर मंतर पर बैठने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि किरण रिजिजू क्यों धरना पर नहीं जाते लोगों से मिलने। मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ और बीजेपी पार्टी का मैं मंत्री हूँ, आप लोग बीजेपी पार्टी के
मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे, धरना कर रहे, तो मैं किस लिहाज से आप लोगों के धरना स्थल पर जा सकता हूँ? ये उन्होंने अपनी मजबूरियाँ और अपना जो एक दायरा होता है वो हमें उन्होंने बताने की कोशिश की, बताया, तो हम समझ सकते हैं, ये भी उनकी भी बात में सच्चाई है, वो भी हम नकार नहीं सकते। तो यही सारी बातें हुई। और ईडी और जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए आपने कुछ बात किया, तो उसमें क्या बोला किरण जी सर? उसने किरण जी ने यही बोला कि ईडी भेजना सीबीआई भेजना दो ही सूरत में भेजते हैं, या तो एक कोर्ट के जरिए भेजा जाता है या दूसरा सरकार के जरिए भेजा जाता है। उन्होंने यही बोला कि सरकार अपनी तरफ से ईडीआई भेजेंगे सीबीआई भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे वो सरकार तय करेगा, सरकार मतलब नरेंद्र मोदी जी उनका सरकार। और दूसरा, अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं इसमें सीबीआई लगाना चाहिए या ईडी लगाना चाहिए, तो कोर्ट आदेश देंगे, तो दो ही सूरत में सीबीआई और ईडी आ सकते हैं, बाकी वो एज ए लॉ मिनिस्टर वो भी नहीं भेज सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। ये उन्होंने हमें ऑफिशियल जो प्रोसीजर्स होती है ये उन्होंने हमें बताया, प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स को बताया, और हमें बोला कि आप देखिए आप लोग ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हो और जंतर मंतर आप लोगों का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, आप कितने दिन तक यहाँ बैठोगे? आप अपने स्टेट को ठीक करने के लिए, अपने लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए आप लोग अभी हीरो हो चुके हो, हीरो बन चुके हो, तो यू आर नाउ ऑलरेडी सक्सेस, योर मिशन हैज सक्सेस, आपका मुहिम सक्सेस हो चुका है। यही बोला, और बोला कि सीबीआई ईडी के लिए ये प्रोसीजर्स ये होते हैं, तो इसीलिए हमने बोला कि हम जाएंगे आपके सरकार से बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी से हम मिलना चाहते हैं, अमित शाह जी से मिलना चाहते हैं, और राष्ट्रपति जी से भी हम मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप शौक से जाइए मिलिए, अगर वो लोग आपको मिलने का अवसर प्रदान करता है तो जाइए मिलिए, चर्चा कीजिए, मैं मना नहीं कर सकता, या फिर मैं आपको मिलाने बिल्कुल नहीं ले जा सकता, ये उन्होंने अपना बताया। एक सवाल था आपसे पितामह जी कि आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी, जैसे काफी रिव्यू साहब से मिलके आ रहे हैं, आगे का तो वही होगा, तो ये 2021 को हमें जंतर मंतर पे परमिट दिया गया है, और उसके बाद फिर जो जंतर मंतर के लिए हमें परमिट देंगे कि नहीं देंगे वो हम कह नहीं सकते, उसके लिए फिर हम प्रोसेस फिर हमें मांगना पड़ेगा परमिट के लिए। तो बाकी का डिटेल्स तो हमारा जो चेयरपर्सन ने आपको बता दिया कि हमारा अभी आज का जो कानून मंत्री से मिला किरण जी से, तो रिस्पांस भी काफ़ी सारा ठीक था, तो वैसे तो मेरा कोई इसे कोई नेगेटिव तो हमें कोई ये संदेश ये दिया नहीं है, बोला नहीं है हमें, तो जो भी होगा आपका, एक तो बोला कि कोर्ट का तरफ से सीबीआई इंक्वायरी करा सकते हैं, दूसरी है कि आपका राज्य का सरकार का तरफ से हो सकते हैं। तो एक सवाल ये भी था मेरा, क्योंकि मैं आपको पता होगा आज ही मैं अरुणाचल से यहाँ आया ईटानगर से, और हमने देखा कि लोग वहाँ डिमांड भी कर रहे थे, लोग ये भी कह भी रहे थे कि तामी तुम इसको भी बोलिए एसी जो है मुहिम उसको खत्म होने के बाद भी करप्शन के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक, अगर ये तो बस शुरुआत है, पहले तो हेड ऑफ द पोस्ट को तो लड़ना पड़ेगा ना, हेड को लड़ने के बाद में बाकी चौथा को तो लड़ने में तो वो तो उसको तो मच्छर मार लिया ऐसे मार देगा, आगे तो बढ़ते रहेंगे, तो बेफिक्र रहिए, ये मुद्दा लेने के बाद में हम अगर गायब हो जाते हैं तो हमें गाली दीजिए, हम जरूर गायब नहीं होगा, हम अपना मुद्दा को काम में ये जो टारगेट है हम जरूर ये जारी रखेंगे। For next video keep on touch. For next video keep on touch.